अच्छा मैं भी कह रहा कि एडे साइज दे ते मैं देखे नहीं सी कदी वो ए लेके आ रहे हैं ओदे हिसाब च ए भी वो मोढे ते रख के ले आया होना हां साहब जी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तू वापस लेना है नहीं मैं वापस क्यों लेना चार सवार में ले आके बेड बना लिया सी तेरे घर उस दिन कस्टर्ड बनया मैं क्या तेरे घर केड़ा सालन बनया कहता हिलने वाला ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਬਣੇ ਕਸਟਰਡ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਡਿਸ਼ ਦਲੀਆ ਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਕੜਾਈ ਥੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਏ गली मुड़िया कुत्ता मत्थे च वज्जा कभी आप जीटी रोड पे गए हो जी आपने हाफ सेट चाय मंगाई हो जी उसके साथ दो कप जी छोटी सी चैनक बिल्कुल जहाँ से चैनक पकड़ते हैं जी जहाँ से चाय निकलती है देखो जब जहाँ से चाय निकलती है वैसा तो तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर कैसा है वो जड़ी कागज भी बना के देके चुंज नहीं देंदे चैनल कभी आप जूती सिलवाने गए मोची के पास जी मोची के पास पायन उधर ही आया है मोची के पास आके तीन मुंह वाला पड़ा होता है जी तीन मुंह वाला पड़ा होता है जिसके ऊपर वो बूट चढ़ा के कील लगाता है ऐसे ही है देखो उस जैसा तो आपका मुंह नहीं है तो फिर किस जैसा वो जड़ी बूट दे बेच दे के सूत्र पा के आया ना इधर आ जा तेरे सौन का टाइम होया जाके अपने अबे नू लै के आए बेटा नहीं ए मेरा बेटा नहीं मेरे बेटे नू तेला ने इज्जत ही बड़ी नहीं जी माशाल्लाह भाली साहब सखावत साहब और सरदार साहब बड़े मंजे हुए कलाकार हैं जी हनी साहब एक दफा कहते जी मैं वाल लुवाने ने अच्छा इन्होंने वाह वाह को पुराने जमाने की विग लुवा ली चीर मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल जा रही है बंदा पिछे घबराया इंजन की हो की रहा है सर, सर, अच्छा, अच्छा, अगला दिन विग नहीं सिद्धि की थी हैंडल पुठा लवा ले पायलट होंगे जहाज के जहाज चला के उत्ते जा के ते जहाज नूं पुठा करके नाल दे कहने ए मेरा घर ही सर पहले तो ये कि मज़ाकरात में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आने से जो एनर्जी हमारे सेट पे इस वक्त महसूस हुई है हम सबको बार बार इज्जत की बात हो रही है कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है अल्लाह ऐसे ही किसी को इज्जत नहीं देता अरे। आपका टैलेंट जो सालों से पूरा पाकिस्तान देखता आ रहा है आज फिर उसकी एक मिसाल आप सबने देखी माशाल्लाह जफरी खान अपने स्टाइल का मुनफरिद फनकार माशाल्लाह इन्ने लोगों के विच आ के अपना नाम बनाना उस वेले च बंदे का काम सी कि जिहड़ा अपना स्टाइल अपना तरीका ते अपनी गल लैके आवे ते जफरी खान उन्हां फनकारां च शामिल हुंदा जिहड़े रश दे विच आ के अपने आप नूं मनवाया क्या बात
क्या बात है, वर्स स्टाइल और अपने तर्ज का बिल्कुल डिफरेंट फनकार। इन्होंने अपने आप रश च मनवाया है। एक दिन मैं देखा काफी राशि उ अपने मनवा बड़े पुराने ने। अच्छा जी, चंडा ना जंगा होंगे सी। जितने आप खुश लगते हैं, क्या आप जिंदगी में इतने खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा होता है कि आप अंदर से टूटे हो या जिंदगी का कोई इम्तिहान चल रहा हो, तब ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं? बस थोड़ा सा होता है कभी कभार, लेकिन ये जो लाइट्स है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। बंद करा दिए? नहीं, जब भी ये जलती है ना जी, ये जब फेस पे पड़ती है ना, फिर वो पीछे अंदर घर बार ये वो सब भूल जाते। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। जफरी अपने घर बैठा जी, किसी ने लाइट बाल दी भूल गया, मैं कितने बैठा। अबे नु ताया कही जावे, भूल जा गया मैं कितने बैठा। मामा कही जावे, शुक्र है तो भाभी नूं कहना पैणा, मैं किन्नू किते वेखिया। चलो गल सुनो, ओए थोड़ा थोड़ा अख ला लो जरा, दो मिनट। सरदार साहब माशाल्लाह है तो मेरा हीरो जी, हमने ऐसे स्क्रीन पे देखा है, बड़े बड़ी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देखा है, और हमने टिकट ली हुई है फिल्म देखने के लिए, तो ये तो अपनी जगह, लेकिन हमारी इज्जत की जगह पे, तो इन्होंने जीन शीन्स पहनी, मणके छड़के कड़ी कुड़ी, मैं साजन खलोते हुए, मैं इन्होंने अज बुआ खोलिया महफल, विंग च वड़े ने, मैं क्या और वे साजन अपने वक्त दे हीरो, अपना केड़ा वक्त है। पूरी दुनिया में परफॉर्म किया सर, अलग अलग ममालिक में गए, फिल्म्स भी की, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? लाहौर में डेफिनेटली। जमीन साहब घर पानी पीन लगे, किसी ने लाइट बाल दी। अच्छा, पीन की बजाय सिर च पा लिया। पाकिस्तान में अवार्ड सेरेमनी करवाई जाए और उसके करते धरते आप हों, एक ही अवार्ड है पाकिस्तान में, सबसे ठंडी जुगत करने वाले को देना हो तो किसको देना होगा? और आप सियासी जवाब नहीं देते, आप दिल के बहुत साफ इंसान है, इस बात का हमें भी पता है, आपका सच आपके मुंह पे होता है, आपने कभी सच बोलने से गुरेज नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे, किसको देंगे? वो तो फिर कि नहीं निकला उन्हें। आपके जितने फैंस हैं, सबसे यादगार और खूबसूरत फैन जिसने आपका खून बढ़ा दिया हो सर, जो अपनी जिंदगी का यादगार फैन, जिसने ब्लड डोनेट किया था आपको। ये पिछले दिनों मैं गया हुआ था न्यूजीलैंड, वो एक रेस्टोरेंट था उसका इफ्तिताह करने के लिए, कोई ड्रामा या शूटिंग नहीं थी, वैसे ही गया था, और वहाँ पे एक सरदार जो है ना अपना फोन तोड़ बैठा था, तोड़ बैठा था, तोड़ बैठा था, था थले डिग गया उसकी स्क्रीन टूट गई थी, मुझे जफ्फी पा के तो उसके ऐसे ऐसे कर रहा था, कहना कि मैं मैनू यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक्साइटेड ना हो रहा। जफरी साहब आपसे बहुत प्यार करता है पाकिस्तान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मैं अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जफरी भाई दरवेश दिल के भी अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, एक जगह इन्हों की लड़ाई हुई। अच्छा, इन्होंने चपेड़ मारन लिए हाथ चुके, किसी ने लाइट बाल दी, ये भुल गए उन्होंने मारनी के अपने आप को मारना।